के साथ TVS, और इस बाइक का नाम है RR310। ये आप देख सकते हैं, ये RR310 एक सुपर बाइक जैसी है। आप ये देख लीजिए, फुल्ली फेयर्ड बाइक है, मतलब इसमें आपको डुअल चैनल ABS, स्लीपर क्लच, हर वो चीज़ मिल जाती है। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया है। 3 सर्कुलर शेप्स है LED इंडिकेटर्स में। आपको एक बार चालू करके दिखाता हूँ। ये आप देख लीजिए LED कितने बढ़िया स्टार्ट होती है, देख लीजिए। हाँ, तो ऊपर देखेंगे आपको, देख लीजिए यहाँ पे DRLs मिलते हैं, यहाँ पर भी आपको दी गई है DRLs। और देख लीजिए यहाँ पर एक बढ़िया सा स्ट्रिप मिलती है, एक रेसिंग बाइक टाइप, यहाँ पर हॉर्स मिलता है TVS का। और देख लीजिए इसका एयर वाइज़र है, काफ़ी बढ़िया, आप जब स्पीड में जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया है, आपको एयर नहीं लगेगी। और ये देख लीजिए यहाँ पर आपको इसके मिरर्स मिलते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर आपको ABS की ब्रांडिंग दी गई है, और ये इसके मिशलिन के टायर से, ट्यूबलेस टायर से, और ये 17 इंच है, देख लीजिए, डिस्क ब्रेक से, डुअल चैनल ABS। यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक्स मिलते हैं, देख लीजिए RR310 की ब्रांडिंग दी गई है, देख लीजिए Apache की ब्रांडिंग है, रिवर्स इंक्लाइंड है इसमें। और ये इसका 310cc का इंजन है, इसमें आपको BMW का इंजन मिलता है, BMW और TVS ने से पार्टनरशिप में बनाया है, इसमें आपको BMW का इंजन मिलता है, और काफ़ी बढ़िया बाइक है। ये इसका रियर ब्रेक, यहाँ पे आपको फुटस्टेप मिलता है राइडर के लिए, ये देख लीजिए यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट है, और यहाँ पे फुटस्टेप मिलता है पिलियन सीटर के लिए, देख लीजिए काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मेहनत से की गई है इस बाइक को। पीछे देखेंगे तो पीछे आपको हगर मिलता है, रियर टाइगर हगर, पीछे भी आपको मिशलिन का टायर मिलता है 17 इंच का, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है विद ड्यूल चैनल ABS, काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी देख लीजिए ब्रॉड टायर है। ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, और देख लीजिए नीचे आपको LED लाइट मिलती है आपके नंबर प्लेट के लिए, और यहाँ पर भी आपको LED, पीछे भी आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। और ये इसके स्पोर्टी LED बैक लाइट, काफ़ी देख लीजिए एरो टाइप है, स्प्लिट लाइट है, और बीच में आपको सर्कुलर 6 देख लेंगे तो आपको बैक लाइट मिलती है। आपको एक बार पूरी लाइट दिखा देता हूँ ना, देख लीजिए काफ़ी बढ़िया LED है। और ये देख लीजिए इसका पिलियन सीट फर्स्ट फ्लोर पे है पूरा, पीछे भी आपको RR310 की ब्रांडिंग दी गई है। और ये इसे ग्रैब करने के लिए, बाइक को पकड़ने के लिए, कहीं स्टैंड के लिए लगाना हो तो, इसका जो पिलियन सीट है काफ़ी छोटा है, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लॉन्ग राइड्स पे आपको बहुत थकान महसूस होगी, और काफ़ी फर्स्ट फ्लोर पे है। और ये देख लीजिए यहाँ पे आपको की मिलती है और सीट ओपन करने के लिए, नीचे कुछ रखना होगा तो। और देख लीजिए ये इसकी सीट, और देख लीजिए इसका 810mm सीट हाइट है, ज़्यादा बड़ी नहीं, ये काफ़ी अच्छा है, 5.5 mm सीट राइडर से उसे चला सकते हैं, 810mm की सीट हाइट है। और जो इस बाइक का पूरा कर्व वेट है वो है 174 कर्व वेट, ये इतनी बढ़िया है, 310cc की बाइक है तो इसका जो कर्व वेट है वो इतना बड़ा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं, आप इसे आराम से चला सकते हैं सिटी में। नीचे आपको कोई भी, ये देख लीजिए मेन स्टैंड में नहीं मिलता, सिर्फ साइड स्टैंड मिलता है। और इसका जो कर्व वेट 174 kg मैंने बता दिया था, और इस बाइक की जो पूरी मैक्स स्पीड है वो है 160 km/h, मतलब 160 तक आप इससे पहुंचा सकते हैं, कुछ कुछ राइडर्स इसके अब भी ले जा सकते हैं। और ये देख लीजिए यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड हैंडल पे देखिए काफ़ी बढ़िया सी, ये देख लीजिए काफ़ी बढ़िया ही मिलती है, देख लीजिए ये आपका सामने आने वाले व्हीकल के लिए वॉर्न करना है, ये इस बाइक का जो बटन ये यूज़फुल है इतना। और ये देख लीजिए आपको जो इस बाइक में देख लीजिए पार्किंग लाइट भी मिलती है, काफ़ी बढ़िया है, ये देख लीजिए आपको बारिश में, रेनी सीजन में काफ़ी फ़ायदेमंद है। यहाँ पर भी आपको देख लीजिए RR310 की ब्रांडिंग है, काफ़ी सॉफ्ट में,
आपका फिल कैप भरवा के नहीं भरवाने के लिए। और ये देख लीजिए इसका 12 लीटर्स फिल टैंक, मतलब आप फिल भरवा सकते हैं 12 लीटर्स तक। और इस बाइक की जो एवरेज है मतलब माइलेज है वो है 35 किलोमीटर्स, मतलब 35 km का इसमें एवरेज बैठता है। काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा एवरेज है, आपको काफ़ी मतलब वर्थ इट वैल्यूबल बाइक है। और ये 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक। और देख लीजिए दोनों साइड आपको हॉर्स मिलते हैं TVS के, राइट साइड में आपको किल स्विच के साथ ही एक स्टार्ट स्टॉप बटन भी इंटीग्रेट है एक साथ दोनों में। और ये देख लीजिए इसका फुल्ली डिजिटल कंसोल, इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दी गई है। देख लीजिए ये अर्बन मोड, ये रेनी मोड, काफ़ी देखा अर्बन मोड काफ़ी बढ़िया बढ़िया दिख जाता है आपको इसमें। राइड मोड, ट्रिप डिटेल्स, माय व्हीकल्स प्रेफरेंसेस, हर वो चीज़ दिख जाती है। देखिए सेट, स्पोर्ट लॉक काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है सी अच्छे। देख लीजिए काफ़ी लाउड है गाइस इसका हॉर्न, काफ़ी लाउड है आपको काफ़ी। और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी इस बाइक में। देख लीजिए काफ़ी बड़ा है, ऐसे छोटा मोबाइल ही लग जाता है आपको। न्यूट्रल का देखिए ऑप्शन है, इंडिकेटर का भी देख लीजिए काफ़ी बड़ा है। और काफ़ी सॉफ्ट है इसके बटन्स, यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है देख लीजिए। और ये इसका की देख लीजिए काफ़ी स्पोर्टी है। और ये मिरर से दोनों, और ये सन एयर वाइज़र विंड वाइज़र काफ़ी बढ़िया आपको मदद करेगा। TVS Apache RR310 की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलता है 312 cc इंजन, और जो इंजन है वो है BMW का इंजन। आपको पता होगा कि TVS और BMW में इसे पार्टनरशिप में बनाया गया है, तो इसमें आपको BMW का इंजन मिलता है वो भी 312 cc का। इंजन टाइप की बात करें तो आपको इसमें इंजन टाइप मिलता है सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve रिवर्स इंक्लाइन DOHC जैसा इंजन। पावर की बात करें तो पावर आपको मिलती है 34 BHP एट 9700 RPM एंड 27.3 Nm टॉर्क एट 7700 RPM। माइलेज की बात करें तो माइलेज आपको मिलती है 33-35 km का, मतलब वो भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ठीक है एज़ कम्पेयर टू दिस इंजन। और सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी आपको मिलती है ड्यूल चैनल ABS विद ब्रेक्स, फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स, रियर डिस्क ब्रेक्स। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है 11 लीटर्स, मतलब आप इसमें 11 लीटर्स का फ्यूल भरवा सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, किक नहीं मिलती, कैसे आप समझ सकते हैं एक स्पोर्टी बाइक है। और कलर का ऑप्शन देख सकते हैं आप, कलर आपको मिलते हैं रेड एंड ब्लैक, दो कलर ऑप्शन है सिर्फ, वो भी काफ़ी बढ़िया लुक देते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो आपको डायमेंशन मिलते हैं, लेंथ मिलती है आपको 2001 mm, विड्थ मिलते हैं 786 mm, हाइट मिलते हैं 1135 mm, ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 180 mm, और सीट हाइट है 810 mm 810 mm, और कर्व वेट है 174 kg, मतलब शॉर्ट राइडर्स और टॉल राइडर्स की भी बढ़िया है, कम्फर्टेबल है। TVS Apache RR310 की जो सीट है वो काफ़ी बढ़िया है शॉर्ट गाइस और टॉल गाइस के लिए, लेकिन शॉर्ट गाइस को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है लेकिन फिर भी ठीक है। और जो इसकी कर्व है वो 174 kg, वो भी काफ़ी बढ़िया है, ज़्यादा नहीं है स्पोर्ट बाइक होकर भी। लेकिन जो इसकी पिलियन सीट है वो ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं है, लॉन्ग ड्राइव पे तो जा ही नहीं सकता पिलियन। और इसकी जो सीट है वो ज़्यादा आपको झुकना नहीं पड़ता राइडिंग के वक्त, R15 से भी कम्फर्टेबल है। और इस बाइक की जो एक्सट्रीम प्राइस है वो है 245,000, और जाके आपको 270-280 तक मिल जाएगी। और एक वर्थ इट वैल्यूबल बाइक है, मैंने कहा था आपके लिए बेस्ट है, और यंगस्टर्स से तो काफ़ी बढ़िया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमें बताते रहिए आपको किस बाइक स्कूटी स्कूटर का रिव्यू चाहिए। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल MID Motors। बाय बाय एंड लव यू, बाय बाय।